दिए हैं, चेंज कर दिए हैं, तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ नए प्लान्स क्या क्या आए हैं। सो गाइस, पहले 98 रुपीज में आपको 2.1 GB का डेटा मिलता था 14 डेज के लिए। अब जो प्लान इनके रिवाइज हुए हैं वो 98 रुपीज में आपको 2 GB टोटल डेटा मिलेगा 28 डेज के लिए, और जियो फोन यूजर भी इसको डलवा पाएंगे, तो ये अच्छी बात है। और ये जो सारे प्लान है ये सब स्टार्ट होंगे, आप रिचार्ज करा सकते हैं 26 जनवरी से, मतलब 25 जनवरी को रात के बाद आप अगर रिचार्ज कराते हैं, जैसे 26 जनवरी स्टार्ट होती है 12 बजे के बाद, तब आपको ये मिलेगा। अगर अभी आप करा लेंगे वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपको ये चीजें नहीं मिलेगी। और एक चीज बताना चाहता हूँ, जैसे 399 का प्लान अगर अभी आपके फोन पे चल रहा है तो अभी आपको 1 GB पर डे मिल रहा होगा 84 डेज के लिए, और इसके पहले चल रहा था तो 70 डेज के आसपास कुछ मिल रहा था। तो ये अभी आपको मिलता रहेगा, जब आप नए वापस से 26 के बाद रिचार्ज कराएंगे तब आपको 1.5 GB पर डे के हिसाब से मिलेगा 399 वाले प्लान में। तो भैया घुमा फिरा के बात ये है, दिवाली पे बोल रहे थे कि 399 में आपको 1 GB पर डे मिलेगा, ये जो प्लान है ये चेंज होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो वो बढ़ा तो था एक महीने के लिए, वापस से 84 डेज हो गया। अब बात तो ये हो गई है, जिनने 399 का साल भर के लिए रिचार्ज करा लिया या फिर महीने से ज्यादा रिचार्ज करा लिया, उनको 1 GB पर डे ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लोग हैं कि आप धीरे धीरे रिचार्ज कराते हैं, मंथ बाय मंथ रिचार्ज कराते हैं, तो घुमा फिरा के 399 में 84 डेज के लिए 1.5 GB पर डे मिल जाएगा, जो आज तक रिलायंस जियो ने कभी नहीं दिया। तो गाइस इन सब प्लान में एक चीज अच्छी बात ये हो गई है, अगर आप सिर्फ कॉलिंग करते हैं तो 98 वाला अगर आप 3 महीने तक डलाते रहेंगे, 98 प्लस 98 प्लस 98, तो आपको 294 रुपीज में 84 डेज तक कॉलिंग फ्री मिल जाएगी और 2 GB डेटा मिलेगा। अगर आप डेटा कम यूज करते हैं तो आपको 294 में 84 डेज तक फ्री कॉलिंग, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाएगी, जो कि अभी किसी भी प्लान में कभी नहीं मिलती। और अगर आप डेटा यूज करना चाहते हैं तो 399 वाला देंगे तो 126 GB का डेटा मिल जाएगा 84 डेज के लिए। तो चलो अच्छी बात है, 399 में रिलायंस जियो ने आज तक कभी 1.5 GB पर डे नहीं दिया 84 डेज तक। अगर रिलायंस जियो दे रहा है तो क्या पता आप एयरटेल भी दें, दूसरे ऑपरेटर भी दें। तो अच्छी बात यह है, बीच में क्या हुआ था, दिवाली के बाद रिलायंस जियो ने अपने प्राइसेस जो है वो इंक्रीज किए थे, उसके चक्कर में हुआ यह था कि शायद जो कस्टमर है इधर उधर भटकने लगे थे, तो रिलायंस जियो ने वापस अपनी पकड़ बना के रखी है। इससे अच्छा डेटा, इससे सस्ता डेटा, इससे अच्छा नेटवर्क अभी हाल फिलहाल कोई नहीं दे रहा। एयरटेल तो अभी भी 399 में 1 GB पर डे, वो भी 70 डेज के लिए दे रहा है। तो अच्छी बात है, 26 के बाद आप रिचार्ज कराएं अगर आपके रिचार्ज खत्म होने वाले हैं, और 399 वाला प्लान बेस्ट है, 84 डेज के लिए 1.5 GB पर डे मिलेगा। अब आप मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि रिलायंस जियो ने 1.5 GB तो कर दिया, डेटा तो बढ़ा दिया उसी रेट में, क्या आपको स्पीड अभी भी मिल रही है रिलायंस जियो की, और इसी तरह की एक्सक्लूसिव और